ओम शांति। 10 मई 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम रूहानी सोशल वर्कर हो, तुम्हें भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, दुख धाम को सुख धाम बनाना है। बाबा ने कहा, तुम रूहानी सोशल वर्कर हो, तुम्हें भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, दुख धाम को सुख धाम बनाना है। आज की मुरली का प्रश्न है, संगम पर तुम ब्राह्मण बच्चे किस बात में बहुत एक्सपर्ट अर्थात तीखे बन जाते हो? बाबा ने उत्तर दिया, सभी मनुष्य आत्माओं की मनोकामना पूर्ण करने में अभी तुम एक्सपर्ट बने हो। सभी मनुष्य आत्माओं की मनोकामना पूर्ण करने में अभी तुम बच्चे एक्सपर्ट बने हो। मनुष्यों की कामना मुक्ति और जीवन मुक्ति पाने की है। मनुष्यों की कामना मुक्ति और जीवन मुक्ति पाने की है, वह तुम्हें पूर्ण करनी है। तुम सभी को शांति का रास्ता बताते हो। तुम ब्राह्मण बच्चे सभी को शांति का रास्ता बताते हो। शांति कोई जंगल में नहीं मिलती, लेकिन आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। शरीर से डिटैच हो बाप को याद करो तो सुख शांति का वर्षा मिल जाएगा। शरीर से डिटैच हो बाप को याद करो तो सुख शांति का वर्षा मिल जाएगा। आज की मुरली का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1 पॉइंट, इस एक जन्म में पुरानी दुनिया से संन्यास कर बाप का मददगार बनना है। इस एक जन्म में पुरानी दुनिया से संन्यास कर बाप का मददगार बनना है। पवित्रता की उंगली देनी है और मन मनाभव रहना है। पवित्रता की अंगुली देनी है और मन मनाभाव रहना है। सेकंड पॉइंट है, भारत को सुप्रीम शांति में ले जाने की सेवा करनी है। भारत को सुप्रीम शांति में ले जाने की सेवा करनी है। इस शरीर से डिटैच हो बाप की याद में रहकर शक्ति लेनी है, शांति का दान देना है, शांति का दान देना है। आज की मुरली का वरदान है, तीनों कालों तीनों लोकों की नॉलेज को धारण कर बुद्धिमान बनने वाले विघ्न विनाशक भव। तीनों कालों तीनों लोकों की नॉलेज को धारण कर बुद्धिमान बनने वाले विघ्न विनाशक भव। बाबा ने समझाया, जो तीनों कालों और तीनों लोकों के नॉलेजफुल हैं उन्हें ही बुद्धिमान अर्थात गणेश कहा जाता है। गणेश अर्थात विघ्न विनाशक। बाबा ने कहा, गणेश अर्थात विघ्न विनाशक, वह किसी भी परिस्थिति में विघ्न रूप नहीं बन सकते। यदि कोई विघ्न रूप बने भी तो आप विघ्न विनाशक बन जाओ। बाबा ने कहा,
अगर कोई विघ्न रूप बने भी तो आप विघ्न विनाशक बन जाओ, इससे विघ्न खत्म हो जाएंगे। विघ्न विनाशक आत्माएं वातावरण वायुमंडल को भी परिवर्तन कर देती हैं। विघ्न विनाशक आत्माएं वातावरण वायुमंडल को भी परिवर्तन कर देती हैं, उसका वर्णन नहीं करती। आज की मुरली का स्लोगन है, अपनी चलन और चेहरे से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। अपनी चलन और चेहरे से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। ओम शांति।